दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में जिप्रेक्स 50 mg सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए जिप्रेक्स 50 mg सिरप एक ब्रांड नेम है सिप्ला कंपनी का, सिप्ला कंपनी बनाती है। दोस्तों इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं, 1 साल से लेकर 2 साल से 1.5 साल तक के बच्चों में ये दी जाती है। तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लगभग हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है, सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। बात करें कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है सिफेक्सिम 50 mg। सिफेक्सिम H1 ड्रग है, डॉक्टर की देख रेख में लिया जाता है, दिया जाता है। सिफेक्सिम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम में दिया जाता है, जैसे कि निमोनिया की प्रॉब्लम। कई बार बच्चे को निमोनिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बहुत ज़्यादा कफ बनता है, ब्रीथिंग करने में दिक्कत होती है, तो वहाँ दिया जाता है। अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर देते हैं। अगर बलगम वाली खांसी है, बहुत ज़्यादा बलगम है बच्चे के, तो खांसी की प्रॉब्लम में देते हैं। नाक बंद है, जुकाम लग गई है बच्चे के, कोल्ड की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम देते हैं। वायरल है, वायरल बुखार है, फीवर है, तो उसमें भी दिया जाता है। तो कई सारी प्रॉब्लम में दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आँख से पानी आ रहा है, आँख में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, तो ENT स्पेशलिस्ट ENT प्रॉब्लम में देते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट भी स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इनके अलावा भी कई सारे इन्फेक्शन में काम आता है। बात करें भाई किस तरह से काम करता है, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया इसके अंदर आता है सिफेक्सिम 50 mg। सिफेक्सिम एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को बनने से रोकता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। डोज की बात करें तो डोज होते ही ये कैलकुलेटेड होती है, बच्चे का बॉडी वेट देख के, उसकी एज देख के ही, ट्रीटमेंट देख के ही डॉक्टर बता देते हैं। हमेशा डोज डॉक्टर के हिसाब से लेनी चाहिए। वैसे अगर बात करूं तो नॉर्मल इसकी डोज होती है 5-5 ml दिन में 2 बार दी जाती है खाने के बाद। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल तक है तो 5-5 ml 2 बार ले सकता है। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, तो हो सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, वोमिटिंग वगैरह, डायरिया, दस्त लगना, ये हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी बच्चे को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी यही है कि डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अगर किसी बच्चे को साइड इफेक्ट हो भी जाए तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर देना है, डॉक्टर को जरूर बताना है। तो ये था संपूर्ण रिव्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी सुझाव लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।